वेलकम बैक टू माय चैनल बैंक बेंचर। दोस्तों, इस डेटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस की सीरीज में हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आज हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में हमने सर्च किया था, सॉल्व किया था मैक्सिमम हीप ट्री पर, मैक्सिमम हीप ट्री पर। ओके, तो अब हम सॉल्व करने वाले हैं सेम क्वेश्चंस को इन डिफरेंट वे में। क्वेश्चन नंबर 5 जो गेट 2014 में पूछा गया, देखिए उन्होंने क्या पूछा है कि उन्होंने एक क्यू दिया हुआ है जिन्होंने मैक्सिमम हीप इनिशियल इनिशियल इट इज अ 5 एलिमेंट। दैट मींस मैक्सिमम हीप में अगर मैक्सिमम हीप का हम बात करें तो उन्होंने बोला है कि 5 एलिमेंट 10, 8, 5, 3, 2, ये हमारे पास 10 एलिमेंट्स उन्होंने दिया है। ठीक है, 10 एलिमेंट्स दिए हैं। अब हम बात करते हैं मिल दिया और हमें इनशॉर्ट क्या करना है, इनशॉर्ट 1 और 7 को, हमें 1 और 7 को इनशॉर्ट करना है इस टेबल में। तो सबसे पहले जो गिवन डेटा है उससे हम ट्री बनाएंगे। हम क्या बनाएंगे, मैक्सिमम हिप ट्री, हम उससे हम मैक्सिमम हिप ट्री बनाने वाले हैं। ठीक है, मैक्सिमम हीप ट्री बनाने वाले हैं। कैसे बनाएंगे आप देखिए, सबसे पहले हमने 10 लिए, सॉरी हमने सबसे पहले 10 लिया, हमारे पास डेटा लिखा है 10, 8, 5, 3, 2। सबसे पहले 10 ले लिया, हमने एक ट्री बनाया। ठीक है, फिर उसके बाद 8 क्योंकि ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है, फिर उसके बाद 5, क्या ये प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, यस, देन 3, देन। अब हमें इनशॉर्ट करना है, इनशॉर्ट करना है, इनशॉर्ट करना है, तो हम इनशॉर्ट कर क्या करना है हमें 1 और 7 को। तो सबसे पहले 1, कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे ही हमने 7 को इनशॉर्ट किया तो इट वॉलेट मैक्सिमम हीप ट्री। कैसे, लीफ नोड पे हमारा मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यू है तो इट शुड बी एक्सचेंज ये और ये। तो हमारा नेक्स्ट ट्री क्या बन के रहेगा, नेक्स्ट ट्री हमारा बनेगा 10, 7, 1, 5, 8, 3 और 2, ये हमारा जाके मैक्सिमम हीप फॉर्म हो गया। ओके, तो हम लोगों ने अपने इस वीडियोस में क्या क्या सीखा, नोट पॉइंट, पॉइंट नंबर 1 कि ऑल ट्री आर पार्ट ऑफ कंप्लीट बाइनरी ट्री। ठीक है, दूसरा इन ऑर्डर शुड बी, इन ऑर्डर शुड बी, इन ऑर्डर शुड बी ऑलवेज शॉर्टेड फॉर्म ऑफ बीएसटी, शॉर्टेड फॉर्म ऑफ बीएसटी। थर्ड पॉइंट हम लोगों ने क्या सीखा, थर्ड पॉइंट हमारा क्या होगा, मैक्सिमम हीप ऑलवेज रूट नोड हैव मैक्सिमम वैल्यू। ऐसे भी मैक्सिमम का मतलब क्या, रूट नोड हमेशा मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए, सेम अपोजिट ऑफ मिनिमम में सेम। अगर इसी क्वेश्चन को अगर हम मिनिमम में सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए एक बार देख लेते हैं। इसी क्वेश्चन को अगर हम मॉडिफाई कर देते हैं मिनिमम हीप में कैसे सॉल्व करेंगे तो आउटपुट हमारा क्या होगा और ट्री कैसी बनेगी, एक चेक हम लोग कर लेते हैं कैसे बनेंगे। चलिए देखिए, इसी ट्री को हम लोग, हमारे पास क्या है 10, 8, 5, 3, 2, हमें मिनिमम हिप बनाना है, मिनिमम हिप ट्री, मिनिमम हिप ट्री। तो सबसे पहले हमने 10 किया, फिर देन 8, जैसे ही 8 किया तो ये कम है,
मिनिमम है तो शुड बी एक्सचेंज, तो 8 10, ठीक है, देन 5। जैसे ही 5 किया तो ये फिर हमारा एक्सचेंज होगा क्योंकि प्रॉपर्टी को इनवैलिड हो रहा है, तो हम फिर चेंज करेंगे 5 10 एंड 8। अब हम जैसे ही इंसर्ट करेंगे 3 को, चलिए अब हम 3 को इंसर्ट करते हैं, 10 8 3 यहां पे इंसर्ट होगा, तो हमारे ये मैक्सिमम प्रॉपर्टी को इनवैलिड किया, फिर से एक्सचेंज, एक्सचेंज होके हमारे पास क्या आया 5 3 8 देन 10, फिर से हमारी इनवैलिड प्रॉपर्टी हुआ, फिर से ये एक्सचेंज होगा, तो हमारा एक्सचेंज वैल्यू क्या क्या आएगा, अब आएगा 3 5 8 यहाँ पे 10। अब इंसर्ट करते हैं 2 को, 3 5 ठीक है 8 देन यहाँ पे 10, तो अब हमारा 2 यहाँ इंसर्ट होगा, तो ये भी हमारे ट्री को प्रॉपर्टी को इनवैलिड किया, तो ये हमारा क्या होगा, एक्सचेंज होगा, तो एक्सचेंज होके क्या बना 3 2 8 10 एंड 5, फिर हमारे यहाँ प्रॉपर्टी एक्सचेंज होगा, तो ये हमारा बनेगा, तो ये हमारा बनेगा ट्री। तो आप देखो ट्री, अब इस ट्री को हम लोग यहाँ फॉर्म करते हैं, इस ट्री को हम लोग यहाँ फॉर्म करते हैं, ठीक है, इस ट्री को यहाँ फॉर्म करते हैं, 2 3 8, फिर हमारे यहां बचा 10 एंड 5। आपने देखा कि जिस मैक्स हीप में ये 10 सबसे ऊपर था, अब वो 10 सबसे नीचे है, जिसे मैक्सिमम लिमिट और 2 हमेशा ऊपर चले। तो ये कॉन्सेप्ट है मिनिमम फिट ट्री बनाने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, प्लीज सब्सक्राइब इट, थैंक यू।